If A, B, C are unequal and positive, show that BC upon B plus C plus CA upon C plus C plus AB upon A plus B is less than 1 by 2 of A plus B plus C. So let's see how we are going to solve this problem. और इस क्वेश्चन को करने से पहले जो हमें कंसेप्ट रिक्वायर्ड है मैं एक बार आपको कंसेप्ट को रिवाइज करा देता हूँ फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ चेक इट. सपोज मेरे पास दो नंबर है. लेट द फर्स्ट नंबर इज ए एंड द सेकेंड नंबर इज बी. दो नंबर मेरे पास है और इफ इफ दे आर पॉजिटिव नंबर ऑल्सो और अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव है देन इफ आई विल फाइंड आउट द अर्थमेटिकल मीन ऑफ दीज टू नंबर देन द अर्थमेटिकल मीन इज ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू. सिमिलरली अगर मैं इन दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिकल मीन निकालूं तो ज्योमेट्रिकल मीन इन दोनों नंबरों का होगा रूट ऑफ ए बी और अगर अपन इसका हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करें देन दिस इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी के. सो दिस इज द अर्थमेटिकल मीन, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीन, दिस इज द हार्मोनिक मीन. सो व्हाट इज द कंडीशन वी हैव इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर. अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है तो इन जनरल अर्थमेटिकल मीन इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू हार्मोनिक मीन के. और हाँ अगर ये दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं है ठीक है इन केस ए इज नॉट इक्वल टू बी देन वी कैन क्लियरली मेंशन दैट एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम एंड जीएम इज ग्रेटर देन एचएम. अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि ए बी सी तीनों अनइक्वल है और पॉजिटिव भी है मतलब आप केवल ग्रेटर देन वाली कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं. चलिए अभी शुरू करते हैं. मीन्स अगर अर्थमेटिकल मीन ज्योमेट्रिकल मीन से ज्यादा है और ज्योमेट्रिकल मीन अगर हार्मोनिक मीन से ज्यादा है तो अपन ये भी क्लेम कर सकते हैं कि अर्थमेटिकल मीन इज ऑल्सो ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन. नाउ वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन. नाउ चेक इट. लेट आपके पास पहला नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी और इन दोनों नंबर का अर्थमेटिकल मीन अगर मैं फाइंड आउट करूं तो ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर होगा इन दोनों नंबरों के हार्मोनिक मीन से. दैट इज 2ab अपॉन ए प्लस बी एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर वन. नाउ वी आर अप्लाइंग द सेम कंडीशन फॉर बी एंड सी. तो वी कैन राइट डाउन बी प्लस सी बाई टू दिस इज ग्रेटर देन 2bc अपॉन बी प्लस सी. दैट इज द इक्वेशन नंबर टू. और अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सी और ए इन दो नंबर का अर्थमेटिकल मीन ग्रेटर होगा 2 times ऑफ सी ए अपॉन सी प्लस ए के एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर थ्री. अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, यू जस्ट एड द इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री. तो अगर आप इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री को एड करते हैं, लेट वी आर एडिंग दीज इक्वेशंस. और जब आप इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में 1 बाई टू आपका कॉमन आ रहा है और इन ब्रैकेट यू आर हैविंग ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए. ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन 2ab अपॉन ए प्लस बी प्लस 2bc अपॉन बी प्लस सी प्लस 2ca अपॉन सी प्लस ए के. अभी कुछ नहीं करें, इसको थोड़ा फर्दर हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट 1/2 ऑफ 2 times ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन. नाउ वी आर जस्ट टेकिंग टू कॉमन हेयर और इन ब्रैकेट वी विल हैव ab अपॉन ए प्लस बी, bc अपॉन बी प्लस सी एंड ca अपॉन सी प्लस ए एंड ब्रैकेट क्लोज्ड. अब यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और आप ये राइट साइड का जो 2 है आप उसे लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं. तो ये बनेगा 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी दिस इज ग्रेटर देन ab अपॉन ए प्लस बी, ab अपॉन ए प्लस बी प्लस bc अपॉन बी प्लस सी प्लस ca अपॉन सी प्लस ए एंड फाइनली दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी हैव टू प्रूव इन द गिविंग प्रॉब्लम.